नए आपराधिक कानून के तहत देश में पहला केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत दिल्ली के कमला मार्केट थाने में FIR दर्ज हुई है और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे रेड़ी पटरी लगाकर लोगों को चलने में दिक्कत पैदा करने के आरोप में रेड़ी पटरी वालों पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। आपको बता दें, आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और उसके चलते पहली FIR भी दर्ज हुई है। पहली FIR दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दर्ज हुई है और नए कानूनों के लागू होने के बाद यह पहली FIR है। नए कानून में काफी कुछ बदला है। IPC को भारतीय न्याय संहिता कहकर डिफाइन किया जा रहा है। बहुत सारी धाराएं जिनके अंदर प्रावधान थे उनको अब भारतीय न्याय संहिता के तहत बदलकर दूसरी और अलग धाराओं के तहत डिफाइन किया गया है। 420 जो पहले धोखाधड़ी थी, उदाहरण के तौर पर अब भारतीय न्याय संहिता में 318 के तहत परिभाषित की गई है। 323 जो मारपीट से जुड़ा मामला 115 के तहत, 354 छेड़खानी से जुड़ा मामला धारा 74 के तहत डिफाइन होगा। 354A अश्लीलता, उसको भी रिडिफाइन किया गया है। 304B दहेज हत्या अब 80 के तहत परिभाषित की गई है। तो नए कानून में बहुत कुछ बदला है। जो पहले IPC यानी इंडियन पेनल कोड के नाम से जाना जाता था, अब भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS के तहत जाना जाएगा और उसमें किस अपराध के लिए कौन सी धारा लगेगी उस सब का विस्तार से जिक्र किया गया है। और अब नए कानून लागू होने के बाद दिल्ली के कमला मार्केट थाने में FIR दर्ज हुई है और ये FIR दर्ज हुई है लोगों की असुविधा के लिए। रेड़ी पटरी लगाने वालों के चलते फुटओवर ब्रिज के नीचे लोगों का चलना मुश्किल हो गया था। उसी में ही एक डिस्प्यूट हुआ जिसके चलते मामला कमला नगर थाने पहुंचा। तो देश भर में नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। यूपी में भी पहली FIR दर्ज हो गई है और नए कानून के तहत ये FIR दर्ज की गई है। यूपी के अमरोहा में पहली FIR दर्ज हुई है। तो उत्तर प्रदेश में भी नए कानून के तहत FIR हुई है। पहली FIR अमरोहा में दर्ज हुई है जिसकी कॉपी इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। नए कानून के तहत, भारतीय न्याय संहिता के तहत देश में पहली FIR दिल्ली के कमला मार्केट थाने में हुई और उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमरोहा में दर्ज हुई है। और यह उस FIR की कॉपी है। जब मामला थाने पहुंचा तो भारतीय न्याय संहिता के तहत उसको दर्ज किया गया। देश भर में नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद यूपी में पहला मामला अमरोहा में दर्ज हुआ। आज से 3 नए कानून लागू हो चुके हैं। तो आखिर ये कानून क्या है, इसी पर बात की गृह मामलों की संसदीय समिति के पूर्व अध्यक्ष और नए कानून बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद ब्रजलाल से। न्यूज 18 ने उनसे बात की है और उनसे बात करते हुए क्या कुछ जानकारियां उनसे हासिल हुई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अंग्रेजों से आजादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन उनके बनाए गए कानून से आजादी 164 वर्ष बाद मिली है। ये नया कानून है जो हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ और संविधान प्रदत्त अधिकार जो थे, वो संविधान प्रदत्त अधिकार जो है ये नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दिए गए हैं। अब न्याय जो है वो फाइलों के नीचे नहीं दबेगी। तारीख पर तारीख का जमाना खत्म हो गया। अब जहां इसमें सामयिक जो समाज है, सामाजिक परिवेश है, उसमें तमाम ऐसे नए अपराध जोड़े गए हैं जो पहले इसकी कल्पना नहीं की गई थी, जैसे देशद्रोह। पहले राजद्रोह था अंग्रेजों के जमाने में, अब देशद्रोह, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, महिलाओं के जो अपराध हैं उसको प्राथमिकता, बच्चियों के साथ गैंगरेप के मामले में फांसी तक की सजा, तो ये तमाम इसमें परिवर्तन किए गए। और एक सबसे महत्वपूर्ण है ट्रायल, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ 90 दिन में या मैक्सिमम 180 दिन में। उसके बाद चार्जशीट जो जाती थी वो सालों पड़ी रहती थी, अब मजिस्ट्रेट को 120 दिन में संज्ञान लेना पड़ेगा और ट्रायल शुरू होगा। डिफेंस लायर तारीख पर तारीख लेता था, अब वो 2 से ज़्यादा तारीख नहीं ले सकता। समन और तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाएंगे। तो अब जो है, और जितने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, FIR हो, ये सब जो ई पोर्टल हैं कोर्ट का, प्रिजन का, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का, वो सब ई पोर्टल पर रहेंगे। और उसके बाद एक बटन दबाइए कहीं भी और जो संबंधित पक्ष है, अथराइज पक्ष है, उसको पूरे रिकॉर्ड मिल जाएंगे।
तो इस तरह से त्वरित न्याय होगा। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने नए कानूनों को पुलिसिया राज बताने के लिए कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अंग्रेज रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस को अंग्रेजों के कानूनों से प्यार है। उन्होंने यह भी कहा कि कानून में कुछ गलत था तो कांग्रेस के नेता कमेटी में बात क्यों नहीं रखे। ये कानून कमेटी में भी गए थे, पार्लियामेंट्री कमेटी में भी गए थे, सभी पार्लियामेंट से भी पास होकर आए हैं। जब ये कांग्रेसी कभी कोई विरोध नहीं करते थे और करना भी चाहिए, जो भी अगर इनको लगता है कोई गलत है तो आज दिखाई दे रहा है तो उस टाइम पर ही विरोध करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है कि आज इन्होंने विरोधाभास की जो अपना मन बना रखा है उसके तहत ही विरोध कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री का संकल्प है कि दासता की कोई भी चीजें निशानी हैं उसके गुलामी को हम मिटाना चाहते हैं। इनको पता नहीं क्यों अंग्रेजों के कानूनों से क्यों प्यार है। हो सकता है इस कारण से उनके पहले अध्यक्ष अंग्रेज रहे हैं, इसलिए अंग्रेजों को छोड़ना नहीं चाहते। उधर तीन नए कानून लागू करने के लिए यूपी पुलिस भी एक्शन में है। थाना, सर्कल, कमिश्नरेट, जिला मुख्यालय, रेंज और जोन स्तर पर समन्वय समितियां बनाई गई हैं और पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक नोडल ऑफिसर की अगुवाई में समन्वय समिति बनाई गई है। ये समिति नए कानून से जुड़े हर सवाल का जवाब देगी और इसके अलावा तकनीकी सेवाओं को भी अपग्रेड किया गया है। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को नए कानून की बुकलेट भी दी है और हर पुलिस थाने पर नए कानून से लोगों को जागरूक कराने के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए लोगों को नए कानून के बारे में बताया जाएगा, जिसमें बैनर, पोस्टर, पैम्फलेट बांटने के निर्देश है। सोशल मीडिया के जरिए भी नए कानून का प्रचार प्रसार करने का आदेश है। इन सब के अलावा एनसीआरबी ने नए कानून पर एनसीआरबी संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ ऐप को लॉन्च किया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसे ऑफलाइन भी चलाया जा सकता है।